अब 24 नवंबर को क्या है जलसा, मतलब पीटीआई ने कॉल दे दी ना अपनी बिगेस्ट कॉल इस साल की कि भाई जमा हो लोग सारे, ठीक है। इन्होंने कहा कि जी कुछ तो करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम व्हाट्सअप, माय नेम इज़ वासिफ इज़ वासिफ एंड यू आर वाचिंग वार प्रोडक्शंस। पता है आजकल पाकिस्तान में चल क्या रहा है पिछले काफ़ी टाइम से, आप लोगों को शायद अंदाज़ा नहीं है जो लोग ऑनलाइन इतना नहीं यूज़ करते, जो लोग टिकटॉक्स की दुनिया में रहते हैं उनको नहीं पता चल रहा कि बाहर हो क्या रहा है। वो अपना टिकटॉक खोलते हैं, इन्जॉय कर लेते हैं, डैट्स इट। मतलब जो लोग ऑनलाइन, जिन लोगों का एक सर्कल है जो ऑनलाइन कमाते हैं या जो खबरें वगैरह देखते हैं जिनको ऑनलाइन ये चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, उनको मैं एक दो बातें बता दूँ बड़ी ख़ास, और जिनको नहीं पता वो भी सुन लें आज तो बेहतर है। पाकिस्तान में हो क्या रहा है, मतलब वी हैव नो आइडिया कि हम किधर जा रहे हैं, ठीक है। एज अ नेशन वी आर गोइंग बैक, एज अ नेशन वी आर नॉट डिवेलपिंग आवर सेल्फ, वी आर गोइंग सो मच बैक कि आप अंदाज़ा कर सकते हैं इस चीज़ से कि पाकिस्तान में कहे गए VPN गैर शरई है, ठीक है। नेटफ्लिक्स यहाँ पे चल रहा है, नेटफ्लिक्स Amazon चल रहा है, VPN गैर शरई है। जब इनका दिल करता है ये कर देते हैं व्हाट्सएप बंद, ठीक है हो गया जी। मतलब फायरवॉल में इशू करके व्हाट्सएप बंद हो गया जी, लोगों ने VPN कर ली, इंस्टॉल्स कर ली और उसके थ्रू व्हाट्सएप चलाने लगे, इन्होंने व्हाट्सएप कर दिया बंद। अच्छा जी, अब ट्विटर जो है ना, जो ट्विटर है एक्स जो है, मतलब आप समझ लें कि जब ट्विटर था ना तो मैं TV नहीं देखता था, तो मुझे हर न्यूज़ जो है वो ट्विटर से मिल जाती थी कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है या वर्ल्ड में क्या हो रहा है। जैसे आप उसे खोल लें उसके जो ट्रेंड्स हैं वो आप देख लें, यू हैव मतलब आपको पूरा आइडिया मिल जाता था कि दुनिया में इस वक्त हो क्या रहा है। बट अब ट्विटर बैन है कोई 1 साल से तकरीबन। और क्यों हुआ जी, ये जी सिंध में किसी ना किसी अनपढ़ और पुराने मिनिस्टर ने कहा था कि है ना यूथ को तो किसी भी सोशल मीडिया ऐप की ज़रूरत नहीं है, हमें तो इंटरनेट बंद कर देना चाहिए, ये तो यहूदियों की साजिश है, ठीक है। मतलब एक सिंध के MPA मिनिस्टर की वजह से पाकिस्तान में ट्विटर बैन है। यू कैन यू जस्ट इमेजिन इट कि क्या सूरत हाल है, इतना बुरा निज़ाम चल रहा है पाकिस्तान में। अब क्या हो रहा है, अब VPN गैर शरई है और VPN बैन है। चल चल तो अभी भी रहा, कुछ ऐप्स हैं जो चल रही हैं लेकिन देखिए गैर शरई है, VPN गैर शरई है, बाकी जो है ना जो करप्शन है वो शरीयत में है, जो जी ये जो बगैरतियाँ हो रही हैं सारी वो शरीयत में हैं, इनके अकॉर्डिंगली वो सब जायज़ है, लेकिन VPN गैर शरई है। मतलब ये कौन से उलमा है जिनको वो नज़र नहीं आते तो ये फतेह पे इनको लगाने आते हैं, ठीक है। VPN से लोग ठीक है करते हैं ओके, लेकिन आपने VPN क्यों बंद किया, आप अपना बताएं, आपने इनको गैर शरीक कैसे करार दे दिया। आई विल टेल यू, आपने अब 24 नवंबर को किया है जलसा, मतलब PTA ने कॉल दे दी ना अपनी बिगेस्ट कॉल इस साल की कि भाई जमा हो लोग सारे, ठीक है। इन्होंने कहा कि जी कुछ तो करना पड़ेगा। पहले इनका था कि जब दिल किया पकड़ के, खान साहब का कोई ऑनलाइन जलसा है PTI का, वो इन्होंने पकड़ के जी YouTube बंद कर देनी, ठीक है। मतलब इस हद तक दे आर इन द प्रेशर ऑफ खान साहब, इवन ही इज़ इन द जेल फॉर द लास्ट 1.5 ईयर, ही इज़ इन द जेल स्टिल। उनका इतना ज़्यादा जो है ना एक इफेक्ट है कि मतलब कि दीज गाइज आर गेटिंग मैड आवर गवर्नमेंट, नून लीग की गवर्नमेंट। इस हद तक जो है ना वो निज़ाम ख़राब हुआ हुआ है कि इन्होंने PTI की वजह से कभी व्हाट्सएप बंद करें, कभी YouTube बंद करें। मतलब यार हाउ सेंसलेस इट इज़ के YouTube पे उनका जलसा है, आपने पूरी YouTube पकड़ के बंद कर दी पाकिस्तान में, ठीक हो गया। पहले ही CPM रेट इतना कम है, इतना कम है, आपकी सोच है 1000 व्यू पे जाके 0 कुछ सेंट्स मिलते हैं, 12,000 व्यू पे $100 है, इतना फ़र्क है, ठीक है। और मतलब कोई किसी की व्यू जब लाख आते हैं ना तब जाके उसका बनता है कोई, जब 3,000 रुपया बनता है, बड़ी मुश्किल ये है। ये सूरत हाल है पाकिस्तान में, कभी व्हाट्सएप बंद हो रहा है, अब VPN गैश रही है, उसके बाद कल को कहेंगे कि जी फेसबुक पे गैश रही है क्योंकि वहाँ पे भी PTI एक्टिव है, फिर कह देंगे नेटफ्लिक्स पे कल को PTI ने अपना कोई शो लॉन्च कर दिया तो इन्होंने कहना है कि नेटफ्लिक्स भी गैश रही है, इसे भी बंद किया जाए, ठीक है। तो अभी तो ट्विटर बंद है, अभी 6 माह से साल से बड़ा दुख होता है देख के, बहुत गुस्सा आता है, बट वी आर हेल्पलेस, यू नो वी आर, आप अपना जो होता है ना हुकूमत होती है, आपका जो स्टेट होता है, स्टेट के आप खिलाफ नहीं जा सकते, आपको स्टेट के अंदर जो रूल हैं उनमें रहना पड़ता है, या तो आप मुल्क छोड़ के चल जाएं, सीधी सी बात है। आप अपने स्टेट्स के जो लॉज हैं ना आप उनकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते, और यहाँ पे लॉ ये है कि VPN गैर शरई है,
और जो है ट्विटर है जो एक्स है वो बैन है। अब ऐसे लोगों से बहस नहीं की जा सकती ना, दे स्टिल सपोर्ट देम। कभी भी दिल किया नेट बंद कर दिया। फाइबर से आई पर्सनली नो मोर देन 100% जिनसे मैं जानता हूँ जो फाइबर से महाना लाखों रुपया कमा रहे हैं। मतलब कहाँ आ रहा है वो पैसा? पाकिस्तान में ही आ रहा है ऑब्वियसली। दे आर लिविंग इन पाकिस्तान एंड दे आर अर्निंग फ्रॉम द अमेरिकन एंड यूरोपियंस एंड रशियंस। वहाँ से ऑर्डर्स लेके वो पाकिस्तान पैसा ला रहे हैं। जब आप नेट बंद कर देंगे, वीपीएन भी बंद कर देंगे, तो वो कहाँ जाएंगे? लेकिन ये बात जो है वो इनकी जो है समझ से थोड़ी बाहर है, तो बहस नहीं बनती है। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि चल के रहे, और इस पर शदीद दुख होता है। समटाइम्स आई रियली फेल्ट बैड एंड सैड दैट व्हाई आई एम लिविंग इन पाकिस्तान, क्योंकि प्रोटेस्ट नहीं कर सकते ना ऐसे, क्योंकि अपन लॉ स्टेट स्टेट के खिलाफ नहीं जा सकते, क्योंकि मैं क्या जाऊँगा, मुझे तो पकड़ के आगे पीछे कर देंगे, मेरे जैसे 100 देंगे, 100 को पकड़ के आगे पीछे कर देंगे। सो बस दुखी होता है और कुछ नहीं कर सकते। खैर फिर भी अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।